गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्यारे बच्चों, मेरा नाम नेहा रावत है और मैं लेक्चरर फिजिक्स हूँ। आज कक्षा 10 में मैं आपके समक्ष अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत मानव नेत्र के बारे में कुछ आपसे डिस्कशन करूंगी। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास की किसी भी वस्तुओं से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास 5 मुख्य अंग हैं, जिनको कि हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां का अर्थ है कि वह अंग, शरीर के वह अंग जिनके माध्यम से हम अपने संसार की वस्तुओं के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इनमें 5 हमारे पास ये ज्ञानेंद्रियां हैं। सबसे पहले हमारे पास है इसमें आंख, दूसरा है कान, तीसरा है नाक, चौथी जीभ और 5वीं हमारी त्वचा। यदि हम किसी भी वस्तु के बारे में बात करें कि हमें उससे संबंधित कोई ज्ञान प्राप्त करना है, उसकी पहचान करनी है, उसको महसूस करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आता है आंख। जिस वस्तु को हम अपनी आंख से देखकर, कान से सुनकर, जीभ से उसका स्वाद चखकर, अपनी त्वचा से जिसको महसूस करके उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं, वह ज्ञान हमारे लिए चिरस्थायी होता है। प्यारे बच्चों, उन 5 ज्ञानेंद्रियों में से हम मानव नेत्र के बारे में बात करेंगे कि ये मानव नेत्र जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है इस रंग बिरंगे संसार को देखने के लिए, हम किस तरीके से यह कार्य करता है जिसकी वजह से हम अपने समक्ष रखी हुई वस्तु को देख पाते हैं। आखिर ऐसी क्या इसकी क्रियाविधि है जिसके द्वारा कोई चीज देखकर हम उसके ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, इसके बारे में हम पता करेंगे। जिस प्रकार से बच्चों फोटो होता है ना, किसी चीज का फोटो एक कैमरे के द्वारा लिया जाता है और वह कैमरे में फोटो खींचकर उसकी इमेज जो प्राप्त की जाती है उससे हमें जानकारी मिलती है, ठीक उसी प्रकार हमारा यह नेत्र जो है यह बहुत ही सुग्राही होता है और यह आसपास के संसार को देखने के लिए कैमरे की तरह कार्य करता है। अगर हम इसकी संरचना के बारे में, जिसपे स्टेप बाय स्टेप हम आगे पढ़ेंगे, इसको अध्ययन करें तो हमें मालूम होता है कि इसके अंदर का जो लेंस का सिस्टम है, वह पूरा लेंस सिस्टम किस तरीके से वस्तुओं की इमेज बनाकर हमारे मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाता है और हम इन चीजों को देख पाने और समझ पाने में सक्षम बन पाते हैं। तो सबसे पहले ये मानव नेत्र की संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि यह मानव नेत्र जो बाहर से हमें एक सिंपल आई के रूप में दिखाई देता है, इसकी संरचना कितनी कॉम्प्लिकेटेड है और किस प्रकार के इसके पार्ट्स हैं और यह पार्ट्स किस किस तरह से कार्य करते हैं जिसके द्वारा हम एक छोटी सी वस्तु को देख पाते हैं। सुनने में यह बहुत सरल है कि हमने कोई चीज देखी, हमने कोई चीज देखी, उसको देखने के पीछे नेत्र ने किस किस तरह से अपने विभिन्न भागों के द्वारा क्या क्या कार्य किए, आज हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे हमारे सामने मानव नेत्र का एक चित्र बना है जिसको लेबल किया गया है। ये लेबल डायग्राम है, हम 1 by 1 इसके बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपको एक गोले के रूप में दिखाई दे रहा है, यह गोले के रूप में इसे कहा जाता है नेत्र गोलक। यह एक नेत्र गोलक है, इसका जो डायमीटर है वह ऑलमोस्ट 2.3 सेंटीमीटर के ऑर्डर का होता है। इसका जो गोला का व्यास है वह लगभग 2.3 यानी 2.25 सेंटीमीटर के आसपास इसका व्यास रहता है। सबसे पहले जब भी कोई वस्तु जिसको कि हम देख रहे हैं, उस वस्तु से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, वह सबसे पहले इस नेत्र के इस बाह्य भाग पर पड़ती हैं। यह बाह्य भाग, इसको कहा जाता है सच मंडल या फिर कॉर्निया। इंग्लिश में हम इसको कॉर्निया कहते हैं और हिंदी में भी इसे कॉर्निया भी लिखा जा सकता है, वैसे इसका सच मंडल इसका हिंदी का नाम है। यह सच मंडल, यह जो पार्ट आप देख रहे हैं, यह एक पतली सी झिल्ली के रूप में होता है और यह झिल्ली जो होती है, सर्वप्रथम प्रकाश की किरण इस झिल्ली पर ही आपतित होती है और जिस भी वस्तु को देखने का प्रयास किया जा रहा है उस वस्तु से निकलने वाला जो ऑलमोस्ट प्रकाश है उसका मैक्सिमम पार्ट, उसका अधिकतम पार्ट जो होता है वह इसी जगह अपवर्तित हो जाता है। मतलब यही वह पहला स्टेज है जहां से उस वस्तु, जिस वस्तु को हम देखने जा रहे हैं, वह वस्तु की किरणें हमारी आई के अंदर प्रवेश करती हैं, यहीं पे उसका मैक्सिमम पार्ट अपवर्तित होता है। यह पार्ट इस तरीके से ये पूरी ये कार्निया को दर्शा रहा है। ये आपका कार्निया है, ये स्वच्छ मंडल पूरा।
ये जो स्वच्छ मंडल होता है, यह इसके पीछे जो नेत्र लेंस है जिसे हम क्रिस्टलीय लेंस या फिर नेत्रोध भी कहते हैं, इसके बाहर एक ये ऐसा घुमावदार, ये जो उभार है इस रूप की शेप को लिए हुए होता है ये कार्निया। ये इसको नेत्र का जो हमारा गोला है, देख आपने ध्यान से अगर आप इसे देखेंगे तो पीछे से एक सर्कल की फॉर्म में है, लेकिन ये सर्कल यहाँ पे आगे की तरफ आके एक उभार के रूप में आ जाता है। तो यह उभार जो है यह इस कार्निया के द्वारा इसको यह उभार आता है। कार्निया से प्रकाश प्रवेश करने के पश्चात जो होता है इस कार्निया के बाद यह ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है परितारिका। परितारिका यानी कि आयरिस। आयरिस हमारी नेत्र में आयरिस का कार्य होता है कि जो भी हमारी पुतली है जिसे हम पिपल कहते हैं, ये सब जानते हैं हमारी आंख के अंदर जो काला काला ये पोर्शन होता है यह पुतली कहलाता है। इसी से आंख के रंग का भी निर्धारण होता है। आपने देखा है किसी की आंखें काले रंग की होती हैं, किसी की भूरे रंग की होती हैं, किसी की मिक्स कलर की आंखें होती हैं, किसी की अलग अलग कलर आइस के होते हैं, तो उनके कलर का निर्धारण भी परितारिका यानी कि आयरिस के द्वारा होता है। इस आयरिस का काम है जो हमारी पुतली है उसके साइज को छोटा बड़ा करना। अब आप लोग सोचेंगे कि यह बताया जा रहा है कि पुतली के साइज को छोटा बड़ा करने की क्या आवश्यकता है, तो वो वन बाय स्टेप आपको आगे पता चलता जाएगा। क्योंकि जब भी हम कोई वस्तु को देखते हैं कम प्रकाश अधिक प्रकाश में, तो हमारी पुतली जो है वह अलग अलग प्रकार से उस सिचुएशन को हैंडल करती है और नेत्र जो है उसके सिग्नल मस्तिष्क तक भेजता है। तो हमारी ये जो परितारिका जिसे इंग्लिश में आयरिस कहा जाता है, यह आयरिस जो है पुतली के पिपल के साइज को छोटा बड़ा करती है आवश्यकता के अनुसार। इसके पश्चात ये पुतली है, इसके पश्चात इसके पीछे ये जो लेंस है, यह लेंस, यह जो पोर्शन पीछे दिखाई दे रहा है यह लेंस, यह लेंस क्रिस्टलीय लेंस है। इसके अलग अलग नाम है, इसे क्रिस्टलीय लेंस, अभिनेत्र लेंस या फिर नेत्रोध भी कहा जाता है। इससे पहले के पार्ट में आप लोग अध्ययन कर चुके हैं कि जो लेंस होता है दुई उत्तल लेंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं, वह किस प्रकार से उसकी फोकस दूरी अपवर्तन के बाद किस किस तरीके से उसके प्रतिबिंब अलग अलग परिस्थितियों में बनते हैं। तो यहाँ पर यह जो नेत्रोध है यह एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है। बाइकॉन्वेक्स लेंस मतलब यह एक दुई उत्तल लेंस होता है जो हमारी आंख में लगा होता है। इसका सबसे मेन कार्य है जो कि प्रकाश की किरणों को आगे पर्दे पर फोकसित करता है और उसी के उपरांत हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यदि यह लेंस सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा होगा तो इसका सही प्रतिबिंब सही जगह पर प्राप्त नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारी जो साइट है, हमारी जो दृष्टि है वह धुंधली हो सकती है या हम स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ हो सकते हैं। अब हम इसकी संरचना में ही हमको क्लियर हो गया है। इस लेंस पे अगर हम ध्यान से देखें इस चित्र में, तो यह लेंस जो होता है यह कुछ मांसपेशियों के बीच में अटका हुआ रहता है। आंख के अंदर जो ये लेंस है यह इन मांसपेशियों, जो आंख की मांसपेशियां हैं इनके द्वारा यह इसमें टिका रहता है और इन मांसपेशियों को पक्षमाभी पेशियां कहा जाता है। पक्षमाभी पेशियां जो होती हैं वह इस लेंस की साइज को एक लिमिट तक, एक निश्चित लिमिट तक कम ज्यादा कर सकती हैं, जिसके द्वारा इस देखी जाने वाली वस्तु की फोकस दूरी भी प्रभावित होती है। अब जो भी प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से अपवर्तित होकर नेत्र लेंस में गया था, वह नेत्र लेंस से निकलने के पश्चात एक सामने इस पृष्ठ पर, एक स्क्रीन पर देखी जाने वाली वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता। जब यह उस वस्तु को जिसे भी हम देख रहे हैं उससे आने वाली किरणों को एक पर्टिकुलर प्लेस पर फोकसित कर देता है तो हम उस वस्तु की इमेज को देख पाते हैं। तो जिस पर्दे पर या जिस स्क्रीन पर हम इसका इमेज प्राप्त करते हैं उसको दृष्टि पटल या फिर इसके अलावा इसका नाम है रेटिना, इसको रेटिना भी कहा जाता है। यह रेटिना फोटो सेंसिटिव छोटी छोटी कोशिकाएं इस पर होती हैं, जिस पर प्रकाश जब पड़ता है, क्योंकि यह प्रकाश सुग्राही है, जैसे ही इसकी किरणें इस पर पड़ती हैं तो यह रेटिना है।
जब रेटिना पर प्रकाश की किरणों से इमेज बन जाती है उसको यह इस पर फोकसित कर देता है, तो यह प्रकाश की जो सेंसिटिव कोशिकाएं होती हैं छोटी छोटी, जैसे ही वह इस रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर्दे पर पड़ता है तो यह इनको विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करता है। और यह विद्युत सिग्नल दृक तंत्रिका है, जो आंखों को मस्तिष्क से जोड़ने वाली नर्व्स हैं। यह हमारी आंखों को मस्तिष्क से जोड़ने वाली नर्व्स हैं। यह नर्व्स जो होती हैं, यह उन सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और तब मस्तिष्क उनको इंटरप्रिटेट करके, उनकी व्याख्या करके जो भी सूचना उसे प्राप्त होती है उसका संसाधन करता है और तब हम जाकर उस वस्तु को पहचान पाते हैं। तो यह प्रक्रिया इतने कम समय अंतराल में होती है, मतलब सेकंड्स के भी कई छोटे पार्ट्स में होती है, कि जैसे ही हम वस्तु देखते हैं तो उसकी समझ हमारे मस्तिष्क तक बन जाती है। यह इसकी टोटल क्रियाविधि होती है। तो इसके माध्यम से हमें इनसे फैमिलियर हुए हैं कि किस तरह से ह्यूमन आई के अंतर्गत छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। अब इनको मैं आपको स्लाइड के माध्यम से और समझाने का प्रयास करूंगी। जैसे सबसे पहले हमने आपको बताया कि कार्निया क्या होता है। यह एक प्रकाश की एक पतली झिल्ली में से होकर इसमें प्रवेश करता है और इसी झिल्ली को कार्निया या सचमंडल कहा जाता है। यह झिल्ली नेत्र गोलक के आगे के भाग पर एक पारदर्शी उभार बनाती है, जैसा कि मैंने आपको चित्र में समझाया। और यह नेत्र गोलक, जिसकी गोल आकृति है, इसका डायमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। और नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश तहा इसी पर अपवर्तित हो जाती हैं। मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट यहाँ से अपवर्तित हो जाता है और थोड़ा सा ट्रांसमिशन लॉस के चलते रिफ्लेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, उसके पश्चात आयरिस, जिसे परितारिका कहा जाता है, यह कार्निया के पीछे मौजूद संरचना है। यह एक पेशीय डायफ्राम की तरह होती है और हमारी पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। जितने भी अलग अलग व्यक्तियों में आंखों का रंग अलग अलग पाया जाता है, वह इसके ही रंग पर निर्भर करता है। पुतली के क्या कार्य हैं, इसको अभी और अधिक डिटेल से आपको बताया जाएगा। इससे पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। अगला इसमें है क्रिस्टलीय लेंस नेत्रोद या अभिनेत्र लेंस। यह रेटिना पर किसी भी वस्तु के वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब को बनाता है। इसकी वक्रता की त्रिज्या जो है वह कुछ ही सीमा तक पक्षमाभि पेशियों के द्वारा चेंज की जा सकती है, ट्रांसफॉर्म की जा सकती हैं। और जैसे ही इसकी वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन आता है तो उसकी फोकस दूरी बदलती है। देखो, इस बात को मैं आपको और अधिक स्पष्ट कराऊंगी। जैसे इसमें बताया है कि जब पक्षमाभि पेशियां जो हैं सिकुड़ती हैं या फिर फैलती हैं तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता पर प्रभाव पड़ता है। इसको हम थोड़ा ढंग से समझेंगे। वक्रता का मतलब है कर्वेचर, वक्र जो होता है वह तब आता है जब कोई वस्तु गोलीय रूप में होती है। मान लीजिए अगर हम लेंस की ही बात करें तो मैंने यहाँ पर तीन अलग अलग प्रकार से कर्व बनाने का प्रयास किया है। यह जो प्रथम कर्व है इसकी गहराई अधिक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये थोड़ा अधिक गहरा है, ये इससे कम गहराई लिए हुए हैं और यह सबसे कम गहराई लिए हुए हैं। कोई भी वक्र जो होता है वह किसी एक पूर्ण गोले का भाग होता है और जब वो किसी एक पूर्ण गोले का भाग है तो उस गोले का कहीं ना कहीं पर केंद्र होना अनिवार्य है। जिस वक्र की वक्रता अधिक है उसका केंद्र कहीं नजदीक पर मौजूद होगा और जिसकी वक्रता जितनी कम है उसका केंद्र उतनी ही अधिक दूरी पर मौजूद होगा और जिसका सबसे कम है वो और भी अधिक कहीं दूरी पर मौजूद होगा। तो इस प्रकार से मैंने आभास के आधार पर तीन स्थितियां आपको बताई हैं। पहला कर्व, जिसका कर्वता यानी वक्रता अधिक है, उसका केंद्र अगर हम वन बिंदु पर मान लें। दूसरा कर्व, जिसकी वक्रता पहले की तुलना में थोड़ी कम है, उसका केंद्र बिंदु कहीं और अधिक दूरी पर होगा, जिसे दो स्थिति से दिखाने का प्रयास किया गया है। और तीसरा कर्व, जो कि लगभग एक स्ट्रेट फॉर्म में है, उसका बहुत ही अधिक दूरी पर कर्व का केंद्र मौजूद होगा। और हम सभी जानते हैं कि केंद्र से
कर्व को मिलाने वाली जो रेखा होती है वहीं से उसकी त्रिज्या बनती है। आर वन अगर इसको टू से मिला लें यह आर टू, और अगर इसको थ्री से कहीं मिलाया जाने का प्रयास करें तो यह आर थ्री। तो जिसका वक अगर आर वन आर टू और आर थ्री के बारे में बात की जाए तो आर थ्री की वैल्यू ग्रेटर है आर टू से और आर टू की भी वैल्यू ग्रेटर है आर वन से। तो कहने का मतलब यह है कि जिसकी वक्रता जितनी अधिक है उसकी वक्रता त्रिज्या उतनी ही कम है। और वक्रता त्रिज्या के बारे में पिछले पाठ में हम पढ़ चुके हैं, वक्रता त्रिज्या का आधा भाग जो है वह फोकस दूरी के बराबर होता है, एफ बराबर आर बाई टू। यानी कि अगर हम फोकल लेंथ को हाफ कर दें, यदि हम वक्रता त्रिज्या को हाफ कर दें तो हमें लेंस की फोकल लेंथ प्राप्त होगी। तो इसका इसके साथ सीधा संबंध है, जिसकी वक्रता त्रिज्या जितनी कम होगी उस लेंस की फोकल दूरी भी उतनी ही कम होगी। और इसका रिवर्स संबंध वक्रता से है कि जिसकी वक्रता जितनी अधिक होगी उसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी, यानी कि उसकी फोकस दूरी भी कम होगी। तो जहां तक पक्षमाभी पेशियों के आधार पर इसके वक्र को समझाने की मैं आपको प्रयास कर रही हूं, तो मैं बताना चाह रही हूं कि जिस लेंस को, जिस अभिनेत्र लेंस को पक्षमाभी रेखाएं मोटा अथवा पतला, यानी उसके कर्वेचर को कम अथवा ज्यादा करके रेटिना पर उसका वस्तु का बनने वाले प्रतिबिंब को कम या ज्यादा फोकस दूरी तक एडजस्ट करती हैं, परंतु यह एडजस्टमेंट एक निश्चित सीमा तक होता है। रेटिना के बारे में हम पढ़ी चुके हैं, रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। ये फोटो सेंसिटिव होती हैं, जब इन पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो यह इलेक्ट्रिक सिग्नल जेनरेट करती हैं और यह पर्दे पर लेंस निकाय प्रतिबिंब बनाता है और इसी के द्वारा वस्तु की इमेज हमको दिखाई देती है। इसके पश्चात ये इसकी शॉर्ट में क्रियाविधि यहाँ पे बताई गई है कि जिस वस्तु को अगर हम मेरे सामने एक पेन रखा है तो मेरा मस्तिष्क इसको पेन के रूप में ही संसाधित करे, इस छोटी सी प्रक्रिया में बहुत लंबी लंबी स्टेप्स मौजूद हैं जिसको विद इन अ पार्ट्स ऑफ सेकेंड्स इसको किया जाता है और मस्तिष्क हमारा वस्तुओं को रीड कर पाता है। जैसे ही कोई प्रदीप्ति प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं पर होती हैं, पड़ती हैं, तो वह सक्रिय हो जाती हैं और सक्रिय होने के उपरांत वह विद्युत सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल जेनरेट करती हैं, जिन इलेक्ट्रिक सिग्नल को दृक तंत्रिकाएं यानी कि जो हमारी नर्व्स माइंड से जुड़ी होती हैं आंख के थ्रू, वो मस्तिष्क तक उसको पहुंचाते हैं और मस्तिष्क इन सिग्नलों को इंटरप्रिटेट करके उनकी सूचनाओं का संसाधन करता है और जिस वस्तु को हम जैसा वह है वैसे ही रूप में देख पाने में सक्षम बन पाते। अब इसमें एक प्रश्न है कि हमारी जो पुतली है यानी कि जो प्यूपल है वह किस प्रकार से कार्य करती है। ये जो आंख की पुतली है इसका क्या काम है, इसको समझाने के लिए हम सबने क्या देखा है, कभी हम बाहर बहुत तेज धूप में बैठे होते हैं और उसके पश्चात काफी देर तक धूप में रहने के बाद अगर हम एकदम से कमरे के अंदर प्रवेश करें जहां अंधेरा है या बिल्कुल अंधेरा भी नहीं है पर बाहर की तुलना में प्रकाश बहुत अधिक कम है, तो जैसे ही हम कमरे के अंदर जाते हैं तो हमें वहां पे चीजें तुरंत ही चीजें हम ढंग से देख नहीं पाते, हमें लगता है कि हमें वस्तुएं एकदम दिखाई नहीं दे रही है। या इसके विपरीत हम बहुत देर तक अंदर कमरे में बैठे हैं और किसी तीव्र प्रकाश में जैसे तीव्र लाइट के आगे जाते हैं तो भी हमारी आंखें जो होती हैं वो एकदम से बंद हो जाती है, मतलब स्वतः ही हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तो यह ऐसी क्या प्रक्रिया होती है कि जिसकी वजह से यह सब होता है, इसमें हमारी पुतली का रोल होता है। जैसे ही हम बहुत ज्यादा तेज प्रकाश में बैठे हैं और उसके पश्चात हम कमरे के अंदर जाते हैं अत्यधिक चमकीले प्रकाश से, तो हमारी जो परितारिका है जो आयरिस है वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ती है। जैसे ही आयरिस सिकुड़ती है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आयरिस जो होती है वो हमारे पिपल के साइज को जो है हमारी आयरिस जो है वह कम ज्यादा करती है, उसके साइज का निर्धारण वह करती है तो उसको छोटा बड़ा बनाने का काम करती है। तो जैसे ही प्रकाश अत्यधिक चमकीला प्रकाश हमारी आंख पर पड़ता है तो आयरिस जो है वह सिकुड़ जाती है। आयरिस के सिकुड़ने के कारण वह पुतली के साइज को क्या कर देगी,
कम कर देगी, उसके साइज को छोटा बना देगी। और छोटा बनाते ही क्या होगा, वो उसका अपना एडजस्टमेंट है। जब आंख का साइज, पुतली का साइज छोटा हो जाएगा तो उसमें वो जो बहुत सारा प्रकाश था उसका थोड़ा सा भाग ही हमारी आंख में प्रवेश कर पाएगा। इस तरह से वह अपने आप को भी सेव करती है। ठीक इसके विपरीत जब प्रकाश बहुत मंद होता है, यानी कि धीमी रोशनी होती है या लगभग अंधेरा होता है, तो यही आयरिस जो होती है यह फैलकर पुतली के साइज को बढ़ा कर देती है, जिससे कि उस कम प्रकाश का भी मैक्सिमम पार्ट जो है वह प्रकाश हमारी आईज में प्रवेश कर जाए और इस तरीके से हम उस वस्तु को देख पाने में समर्थ हो पाए। इसके अलावा जब प्रकाश मंद होता है तो उस स्थिति में हमारी आयरिस जो होती है वह सिकुड़ती नहीं है, फैली रहती है, रिलैक्स वे में रहती है और रिलैक्स कंडीशन पे पुतली जो है, जो उसका अपना प्रॉपर साइज है, वह उस पूर्ण साइज में खुलती है। तो इस प्रकार से हमारी आंख की पुतली कार्य करती है। यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पुतली किस प्रकार से कार्य करती है। तो इस एग्जाम्पल का रेफरेंस देते हुए आप इसको समझा सकते हैं, इस अपने क्वेश्चन को सॉल्व। एक प्रश्न आता है, दृष्टि की दृढ़ता किसे कहते हैं? दृष्टि की दृढ़ता, दृष्टि की दृढ़ता से यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि जैसे ही हम कोई वस्तु देखते हैं ना, किसी भी चीज को हम देखकर आते हैं, तो वो काफी अधिक समय तक या किस समय तक वहां उसकी अनुभूति हमारी आंख में बनी रहती है, तो इसका संबंध उस समय से है। दृष्टि की दृढ़ता वह समय अवधि है जिसके लिए किसी वस्तु की अनुभूति आंख में बनी रहती है और इसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है। यह लगभग 1 सेकंड के 1/16 भाग के बराबर होती है। दृष्टि की दृढ़ता मतलब जितने अधिक समय तक वह वस्तु की अनुभूति हमारी आंख में बनी रहती है, इसे कहा जाता है दृष्टि। एक नंबर में इस तरीके का प्रश्न आपके पास आ सकता है। अगला प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। हमारी आंख जो होती है, जो कि बेसिकली जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, ये आंख जो है बेसिकली एक प्रकार का लेंस है, लेंस का यह एक सिस्टम है। जिस प्रकार से बाई कॉन्वेक्स लेंस, द्वियुत्तल लेंस कार्य करता है, अपने पर आपतित प्रकाश को अपवर्तित करने के पश्चात वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाता है, इमेजेस बनाता है और उन इमेजेस के आधार पर ही हम वस्तु को देख पाते हैं, ठीक यही प्रक्रिया इस आईज के अंदर चलती है। तो आंख जो होती है वह लेंस की तरह तो वर्क करती ही करती है, परंतु आवश्यकता के अनुरूप वह अपनी अपने आप को एकोमोडेट भी करके चलती है। तो एकोमोडेशन का यहाँ क्या तात्पर्य है कि अभिनेत्र लेंस, जो कि हमने अभिनेत्र लेंस जिसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था, अभिनेत्र लेंस, यह अभिनेत्र लेंस जो होता है इसकी आकृति भी जो है, फोकल लेंथ जो है, इसकी कर्वेचर जो है वो एडजस्टेबल होती है। तो यह क्या होता है कि जिस प्रकार की वस्तु जितनी अधिक दूरी से या फिर जितनी अधिक नजदीकी से हम उसको देख रहे हैं, उस वस्तु की स्थिति के अनुसार यह लेंस जो होता है पक्षमाभी पेशियों की मदद से इस लेंस की भी क्या होती है, एडजस्टमेंट होते हैं, यह अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, समायोजित करता है, ताकि देखी जाने वाली वस्तु का प्रॉपर प्रतिबिंब हमें रेटिना पर प्राप्त हो सके, तो इस क्षमता को, इस पावर को आंख की समंजन क्षमता या फिर नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है। तो यह बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, वह आंख की समंजन क्षमता कहलाती है।
इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आंख की जो लेंस है वह छोटा बड़ा, उसके एपर्चर जो उसका द्वारक है, उसका जो कर्वीचर है, उसकी मात्रा को कम ज्यादा पक्षमाभी पेशियों की मदद से किया जाता है और वक्रता में परिवर्तन होते ही वक्रता त्रिज्या बदल जाती है और वक्रता त्रिज्या के बदलते ही फोकस दूरी भी बदल जाती है। फोकस दूरी का समायोजन इसकी मदद से होता है। और इसी में हमारे पास प्रश्न पूछा जा सकता है कि हम, या कि इसमें एक प्रश्न आता है, पास व दूर की वस्तुओं को हम कैसे देख पाते हैं। ये बहुत ही एक जनरल क्वेश्चन है, हम कैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं। यह भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक जनरल एक नॉलेज के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी वस्तु जो नजदीक हो या फिर दूर हो, हम कैसे उसको देख पाते हैं, क्या क्रियाविधि आंख के लेंस के द्वारा वहां पर संपादित होती है जिसकी वजह से हमें नजदीक की अथवा दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इसमें है कि जब हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं तो दूर से पड़ने वाली प्रकाश की किरणें जब अभिनेत्री लेंस पर आती हैं तो उस समय पक्षमाभी पेशियां शिथिल हो जाती हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, और उनके रिलैक्स होने के पश्चात अभिनेत्री लेंस जो है वह पतला हो जाता है। अभिनेत्री लेंस के पतला होते ही क्या होगा, उसका कर्वेचर घट जाएगा। और जैसा अभी मैंने पहले स्पष्ट किया कि कर्वेचर घटने के कारण उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगी। आर की वैल्यू बढ़ जाने से उस आर की वैल्यू पतला होने पे आर की वैल्यू घट जाने से उसकी जो फोकल लेंथ है वह बढ़ जाती है। और इस तरीके से जो दूर की चीज थी वह हम इस पर ढंग से देख पाते हैं। मतलब वस्तु तो दूर ही है पर उसे ढंग से देख पाने के लिए अभिनेत्र लेंस ने अपना समायोजन किया है। ठीक इसी प्रकार जब हम पास की वस्तु की बात करते हैं तो पास की वस्तु के समय ये पक्षमाभी पेशियां जो हैं यह कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यह सिकुड़ती हैं और सिकुड़ने के कारण जो अभिनेत्र लेंस है वह मोटा हो जाता है। मोटा होने की वजह से उसका कर्वेचर बढ़ जाता है, कर्वेचर अधिक होने की वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर कंपैरेटिवली घट जाती है और साइमल्टेनियसली उसकी फोकल लेंथ भी घट जाती है। फोकल लेंथ के घट जाने से वह जब उसकी वैल्यू घट गई है तो वह नजदीक ही उसको फोकस कर देगा और हम निकट की वस्तु को देख पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो एग्जाम आपकी बोर्ड परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पास अथवा दूर की वस्तुओं को हम किस प्रकार से देख पाते हैं। तो पढ़ने में तो ये प्रश्न नॉर्मल है लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन आपको उत्तर के रूप में वहां पर देना होगा और अपने आंसर को एनरिच्ड बनाने के लिए आप उसमें ये फॉर्मूला R = R/2 फोकल लेंथ जो है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका भी वहां पर जिक्र करेंगे तो इससे आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा। नेक्स्ट अब इसमें एक आता है स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी या फिर इसे कहा जाता है सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यह क्या होता है, क्या है, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया पास की और दूर की वस्तुएं देखने के लिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है तो वह उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। अब यदि आप एक छोटा सा अगर आपके पास कोई किताब है और आप उसको भी ही प्रयोग करके देखें तो आप अपने जिस भी पुस्तक को देख रहे हैं उसे नॉर्मल जहां तक आप देख पाते हैं धीरे 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 उसे अपनी आंखों के नजदीक लाते जाएं तो पहले आपको स्पष्ट रूप से दिखता रहेगा। जब आप बहुत ज्यादा अपनी आईज के करीब उसको लेकर के आएंगे तो आपको
शब्द या अक्षर जो भी उसके अंदर लिखा गया है या जो भी प्रिंटिंग मटेरियल है वो फिर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर दबाव और तनाव पड़ने लगेगा या फिर उसमें बनी हुई जो इमेज है वह धुंधली हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो नेत्र है वह एक स्पष्ट दूरी तक ही वस्तुओं को साफ से देख पाती है। एक आदर्श आंख जो है, एक वयस्क की जो स्वस्थ आंख है उसके लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कम से कम हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर तक की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बहुत इजीली बनता है और तब तक बिना तनाव के हम उस वस्तु को देख पाने में समर्थ हो पाते। तो स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह दूरी है, वह न्यूनतम दूरी है जिस पर रखी हुई कोई भी वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है। यदि उससे कम उस दूरी को कर दिया जाएगा तो इसे आप एक्सपेरिमेंटली खुद भी करके देख सकते हैं, बहुत अधिक नजदीक लाने पर भी वहां इमेज धुंधली हो जाएगी और हम उस वस्तु को देख पाने में मतलब इजी महसूस नहीं करेंगे, उसमें हमें तनाव की स्थिति आ सकती है। तो इसे कहा जाता है सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट आइए, अब इसमें दो पॉइंट्स और इसमें रह जाते हैं, निकट बिंदु और दूर बिंदु। हमारी आंख के दो बिंदु होते हैं, एक हमारा निकट बिंदु और एक दूर बिंदु। निकट बिंदु सेम वही है स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी जो अभी आपको मैंने डिस्कस की थी, वही इसका निकट बिंदु भी कहलाती है। अगर एक स्वस्थ आंख है तो उसके लिए निकट बिंदु की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है, जो आंख सही है, और जिसकी आंख में या लेंस में प्रॉब्लम है वो फिर इस दृष्टि को एडजस्ट करने के लिए बाहर से लेंसेज का उपयोग करते हैं एक्सटर्नल। और दूर बिंदु जो है उसे स्वस्थ आंख के लिए अधिकतम अनंत पर माना गया है, मतलब जो जितनी अधिक मैक्सिमम दूरी तक उसके विजन को ले सके अपने दर्शन कोण के हिसाब से वह उसका दूर बिंदु कहलाता है। तो दूरतम बिंदु वह बिंदु है कि जितनी अधिक दूर स्थिति तक हम अपनी आंखों से किसी वस्तु को देख पाते हैं वह उसका दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह वैल्यू फोकस की गई है, 25 सेंटीमीटर जो है वह निकट बिंदु की है और अनंत दूरी जो है वह दूर बिंदु की स्थिति को दर्शाता है। तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एक नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आप ध्यान रखें। आज हमने जो है मानव नेत्र के बारे में पढ़ा और मानव नेत्र किस प्रकार से, उसकी क्या संरचना है, उसके क्या क्या भाग हैं और किस प्रकार की उसकी क्रियाविधि है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाने में समर्थ हो पाते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आप इसको सेल्फ स्टडी से अपने इस ज्ञान को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।